हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पिनल कोड का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था बेटा सेक्शन नंबर 299 और सेक्शन नंबर 300 के बारे में, मतलब कल्पेबल होमसाइड और मर्डर के बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था और उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेक्शन शुरू करेंगे 301 से लेकर 318 तक। आज ये अगर हम बोलें तो ये चैप्टर 16 का पार्ट 2 होने वाला है, चैप्टर 16 का पार्ट 2 होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 301 से लेकर 318 तक। हालांकि सेक्शन और भी हैं लेकिन अपन धीरे धीरे करेंगे, आराम आराम से करेंगे। तो आज हमारा होगा डिस्कशन का टॉपिक सेक्शन 301 से लेकर 318 तक। अब हम एक एक करके देखते हैं, फटाफट करेंगे, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी 299 और 300 में। अब जो है फटाफट हम उसको देखते हुए चलेंगे। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 301 से, तो 301 क्या कहता है? अगर हम बात करें बेटा 301 की, तो 301 कहता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन अ पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। मतलब ऐसे व्यक्ति की डेथ कर दी गई जिसकी हमने सोची नहीं थी। मतलब यह है कि हमें मारना एक्स को था लेकिन मर गया वाई, तो क्या अब इस बात पे क्या उसको ये प्ली मिल सकती है कि भैया मैं तो एक्स को मारने गया था लेकिन मेरे से वाई मर गया, तो मैं तो इसका दोषी नहीं हूं। बात समझ में आई? मिस्टर ए थे, उनका इंटेंशन था एक्स को मारने का लेकिन उनसे मर गया वाई। अब यहां पे क्या मिस्टर एक्स जो हैं, मिस्टर ए जो हैं, जो एक्स को मारने के लिए गए थे उनसे जो वाई मर गया, तो क्या मिस्टर ए ऐसे बोल सकता है कि भैया मैंने तो एक्स को मारने की सारी सर्जी थी, वाई मर गया तो मैं क्या करूं? तो क्या अब इसके अंदर ए की कोई जिम्मेदारी बनेगी? बनेगी तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी तो कैसे नहीं बनेगी? इसी बात को अब हम डिस्कस करने वाले सेक्शन नंबर 301 के अंदर। और 301 को हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसका नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, अब ये सेक्शन क्या बोलता है पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन की बात करिए, इफ अ पर्सन By doing anything which he intend, कोई ऐसा काम जो उसने सोचा समझा हो, और knows to be likely to cause death, और या उसको पता हो कि इसका जो एक्ट है वो किसी की डेथ कर सकता हो। तो अब यहां पे भी देखो इंटेंशन भी आ गई और नॉलेज भी आ गई किस चीज की, कि वो किसी की डेथ हो सकती है, या कोई ऐसा कल्पेबल होमिसाइड उसने कमिट किया है जिससे कि उस आदमी की डेथ हो सकती है, कोई ऐसी इंजरी उसको को देने कि उसने ऐसी इंजरी दी जिससे कि उसको डेथ हो सकती है, या फिर इंटेंशन नहीं थी, हुज डेथ ही नाइदर इंटेंड नॉर नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली कॉज। उसको ये नहीं पता था कि मेरे इस एक्ट से इसकी भी जा सकती है। The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused death of a person whose death he is intended he knew himself to be likely cause. क्या बोला भैया? मिस्टर एक्स, वो मिस्टर ए जो थे, मिस्टर ए जो थे इनकी इंटेंशन थी एक्स को मारने की, लेकिन जब इन्होंने शूट किया तो वो जो गोली है
एक्स को ना लग के वो गोली लग गई वाई को। अब यहां पर इंटेंशन तो इसको मारने की थी, नॉलेज तो इसको मारने की थी, लेकिन किसी कारण से निशाना चूक गया और मर गया ये। इसके लिए तो कोई इंटेंशन नहीं थी, इसके लिए तो कोई नॉलेज नहीं थी, इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं था। अब जब इसके लिए ऐसा कुछ नहीं था तो क्या यहां पर ये जो मिस्टर ए है, क्या ये इस बात की प्ली ले सकता है कि भैया मैंने तो एक्स को मारने की बोली थी? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आ गया डॉक्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइज की, भैया भले ही आपकी मंशा नहीं थी लेकिन कोई मर तो गया आपसे, ये नहीं मरता तो वो मरता, तो इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मलाइज। अब इसी को साबित करने के लिए एक सिचुएशन ले लो, इफ ए इंटेंड्स टू किल बी बट इंस्टेड ऑफ, उसने सी को मार दिया, जैसे एक्स को मारने की मंशा थी उसने वाई को मार दिया। अब यहां पर देखो, ए की ना तो इंटेंशन थी वाई को मारने की और ना उसको नॉलेज थी वाई को मारने की, लेकिन फिर भी यहां पे मर गया ना। अब यहां पे क्या होगा, जो ए है वो एक्स के मर्डर का तो दोषी नहीं हुआ, लेकिन ए वाई के मर्डर का दोषी हो जाएगा, और इसी रूल को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मलाइज। ये बात समझ में आती है? अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 302 पर, जो कि बहुत कॉमन सेक्शन है। हर आदमी ये बोलता है 302, 302, 302, 302, और 302 होती क्या है वो तो देख लो। 302 होती क्या है, अपन बोलते हैं 302 तो 302, 302, लेकिन 302 होता क्या है वो आज हम समझेंगे। पनिशमेंट ऑफ मर्डर, मर्डर कहाँ गिवन था, मर्डर का अगर हम बोलेंगे तो सेक्शन 300 में गिवन था, और 300 पढ़ने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो मर्डर की बात हम करेंगे, तो मर्डर की पनिशमेंट हमें मिलती है बेटा 302 में। क्या है? हूएवर, कोई भी है, क्या किया वो कमिट्स मर्डर, 300 के अंदर जो अपराध है वो मर्डर होता है। अगर उसने वो अपराध किया है, मर्डर किया, तो उसको क्या सजा मिलेगी? डेथ मिल सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिल सकती है, और शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यहां पर और नहीं बोला है बेटा, यहां पे एंड बोला है, इसका मतलब एडिशन है, फाइन भी देना पड़ेगा। अब वो फाइन जो कोर्ट तय करेगा वो देना पड़ेगा, कोई स्पेसिफाइड फाइन नहीं है। ये बात समझ में आती है? अब इसी के अंदर एक केस ये आया था कि हमें डेथ कौन से केस में देनी है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ना डेथ। अब इसी के अंदर एक केस आया था जिसमें हमें ये बताया गया था कि हमें डेथ कौन से केस में देनी है, क्या हर केस में हम डेथ दे सकते हैं मर्डर के पनिशमेंट के तौर पे? तो इसके अंदर एक केस आया था, केस का नाम था बेटा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या था? बच्चन सिंह वर्सेस, एक मिनट थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, केस का नाम था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हेल्ड हुआ था? इसमें यह हेल्ड हुआ था बेटा कि जो डेथ पनिशमेंट होगी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। क्या? डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। कौन से केस में बोला था? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह बोला गया था, यह बात ध्यान रहेगी। अब हम देख लेते हैं सेक्शन नंबर 303, पनिशमेंट ऑफ मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। क्या हुआ गया ये, क्या बोलना चाह रहा है ये? ये बोलना चाह रहा है कि सपोज कर लो कि एक आपके कोई मिस्टर एक्स है, उनको ऑलरेडी किसी अपराध में लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो रखी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की उनको ऑलरेडी किसी केस में कोर्ट ने सजा दे रखी है,
लेकिन ये भाई साहब थोड़े विचित्र टाइप के आदमी हैं, ये अभी भी नहीं मानते अपनी हरकतों से। अब इन्होंने क्या किया, एक और अपराध कर दिया, और अपराध भी क्या कर दिया, इन्होंने किसी वाय आदमी का ड्यूरिंग लाइफ इंप्रिजनमेंट मर्डर कर दिया। तो इस केस में जो मिस्टर एक्स भाई साहब हैं, इनको अब क्या सजा मिलेगी, इनको तो भैया निश्चित तौर पे डेथ मिलेगी, और यही बात बोली गई है सेक्शन नंबर 303 के अंदर। क्या बोली गई है, अब सेक्शन भी देख लेते हैं एक बार। पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट हु एवर बींग अंडर द, देखो अंडर द सेंटेंस है, सजा चल रही है उसके, और सजा भी कौन सी, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा चल रही है, उम्र कैद की सजा चल रही है, और उसके दौरान उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया किसी का, तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद डेथ। तो भैया आपको तो डेथ मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके अंदर एक केस आया था, केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। अब इस केस में क्या हुआ था बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो सेक्शन 303 है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है सेक्शन 303, जो ये वाला ही है, ऑफ आईपीसी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और साथ साथ क्या बोला था कि ये जो सेक्शन है ये एज अगेंस्ट किसके है, अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था मिट्ठू सिंह वाले केस के अंदर कि ये जो सेक्शन 303 है हमारा आईपीसी का, ये संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, प्लस ये असंवैधानिक है, और आपसे प्री में यही पूछता है बार बार, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब अगला आ जाता है हमारा सेक्शन 304, सेक्शन 304 क्या लिखा है, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अभी हमने क्या पढ़ा, पनिशमेंट ऑफ मर्डर पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसा कल्पेबल होमोसाइड जिसका कि नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो। अब देख लेते हैं क्या लिखा है, हु एवर कमिट्स, कोई भी, क्या कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब ये क्या होता है, आप 299 में जाके पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एंड ऑल्सो लाइबल फॉर फाइन। ये तो हो गई पहली बात, क्या बोला कि किसी भी आदमी ने कोई ऐसा कल्पेबल होमोसाइड किया है जो नॉट अमाउंटेड टू मर्डर है, उसको क्या मिलेगी, या तो मिल जाए भैया लाइफ इंप्रिजनमेंट, या कोई ऐसी सजा मिल जाए, चाहे सिंपल हो या रिगोरियस हो, जिसकी की सजा मैक्सिमम टेन्योर कितना हो, 10 ईयर्स का हो, और उसके साथ साथ क्या देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एंड है तो यहां पे एडिशन में हो गया, ये बात समझ में आती है। अब इसका ये तो हो गया पार्ट वन, अब पार्ट टू देख लेते हैं। पार्ट टू क्या कहता है, पार्ट टू कहता है इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद, अगर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें कि जो डेथ हुई है वो किसके हुई है, इंटेंशन से हुई है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ हुई है, या कोई ऐसी बॉडीली इंजरी दी गई है जिससे पता था कि उससे डेथ हो सकती है, ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इट लाइकली टू कॉज डेथ, पता था कि भैया अगर हम इसको ऐसे मार देंगे तो इसकी डेथ हो सकती है, तो उस केस में कितनी मिलेगी, विद इंप्रिजनमेंट फॉर आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। यहां पे क्या दिक्कत हुई, यहां पे दिक्कत ये हुई, ऊपर वाले केस में तो स्पष्ट कह दिया गया कि भैया कोई भी ऐसा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो उसकी या तो आपको मिल जाएगी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद मिल जाएगी, अगर वो नहीं मिली तो आपको 10 साल तक की सजा सिंपल या रिवर्स मिलेगी प्लस फाइन मिलेगा,
लेकिन यहां पर उसमें ये सेकंड पॉइंट में ये बोल दिया गया कि कोई भी ऐसी डेथ हुई है जो इंटेंशनली थी, आपकी मनचाही थी, प्लस क्या हुआ, कोई ऐसी बॉडीली इंजरी भी मार दी गई हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो, लेकिन उससे हो गई, तो किस क्या मिलेगा? कोई भी डिस्क्रिप्शन सिंपल है, रिगोरियस, 10 साल तक की सजा या फाइन या दो। अब इफ द एक्ट डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में 10 साल तक की सजा मिलेगी। ये बात समझ में आती है? अब इसी केस के अंदर, इसी सेक्शन के अंदर एक केस आया था, केस का नाम था आपका रामपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 304 पार्ट 1 इंक्लूड्स ओनली दोज केस ओनली दोज केस इन विच ऑफेंस इज ऑफेंस इज इन रियलिटी मर्डर, जो कि मर्डर कैटेगरी के होंगे, बट मिटिगेट द प्रेस बट मिटिगेट बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस रिकॉग्नाइज इन एक्सप्रेशन सेक्शन 300 पार्ट 2, क्योंकि जब हम 300 पार्ट 2 पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी गई है। ओनली विद द केस इन विच द एक्यूज हैज नॉट इंटेंशन इंटेंशन ऑफ इंजरिंग एनी बॉडी इन पर्टिकुलर। ये बात समझ में आती है? सिंपल सी बात लिखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 304 ए की तरफ, 304 ए की तरफ। क्या लिखा है 304 ए? 304 ए लिखा हुआ है डेथ बाय नेग्लिजेंस, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। हु एवर कॉज द डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी आदमी की डेथ की बात बोली है, बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कॉल्पेबल होमोसाइड, तो क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन सिंपल रिगोरियस फॉर टाइम विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स और विद फाइन और बोथ। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब इसके अंदर यह है कि ये जो सेक्शन अप्लाई है, जहां पर ना तो कोई इंटेंशन हो किसी को मारने की या जहां पर कोई नॉलेज भी ना हो किसी को मारने की, ये उस केस में एप्लीकेबल होगा। यहां पे जो डेथ हुई है वो गलती से हुई है, नेग्लिजेंस से हुई है, लापरवाही से हुई है, किसी की इंटेंशन नहीं थी, किसी की नॉलेज नहीं थी, नेग्लिजेंस था। ये बात समझ में आती है पहली बात। दूसरा, डेथ शुड बी द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। जो भी रैश एक्ट है, जो भी नेग्लिजेंट एक्ट है, उसका
सीधा सीधा आउटपुट क्या निकल रहा है, डेथ निकल रही है। और तीसरी बात, इसके अंदर एक केस आया था, केस क्या था, जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। क्या केस था? जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस का नाम था बेटा जैकब मैथ्यूज। वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्या किया? द वर्ड ग्रॉस हैज नॉट बीन यूज इन सेक्शन 304A। बट इट इज सेटल्ड दैट इन क्रिमिनल लॉ नेग्लिजेंस और रेकलेस मस्ट बी गिवन सच हाई डिग्री। टू बी ग्रॉस। एक्सप्रेशन रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट टू बी क्वालिफाइड बाय द वर्ड ग्रॉसली। मतलब ये जो रेकलेस और ये जो नेग्लिजेंस है इनको ग्रॉसली मतलब संयुक्त तरीके से ही देखा जाए, ये इसमें बोल दिया गया। ये बात समझ में आती है इसके अंदर? अब हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा आता है सेक्शन 304B। 304B क्या आता है देख लेते हैं। डाउरी डेथ की बात करेगा एविडेंस में, 113B में बात करता है वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन, किसकी हत्या की बात कर रहा है, वुमेन की, पहला बात, इज कॉज बाय एनी बर्न्स, कॉज बाय एनी बॉडीली इंजरी, कॉज बाय ऑकर्स अदरवाइज देन द नॉर्मल कोर्स, जो सामान्य सर्कमस्टांसेस उससे हटकर के कुछ डेथ हुई हो, और कब हुई हो, विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, शादी के दौरान 7 साल के भीतर हुई हो। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी सब्जेक्टेड टू क्वारेल्टी और हरेसमेंट, और ये प्रमाण दिख रहे हो कि भैया उसकी डेथ से कुछ समय पहले या इंस्टेंट इमीडिएटली पहले उसके साथ क्रुएल्टी हुई हो, उसके साथ हरेसमेंट हुई हो, किसके द्वारा, हस्बैंड के द्वारा, उसके किसी रिलेटिव के द्वारा, और किसके रिलेटिव, हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा, और या फिर उससे दहेज की मांग की गई हो, डाउरी की डिमांड की गई हो, तो ऐसी मृत्यु को हम बोलेंगे डाउरी डेथ। और इस केस में जो उसका हस्बैंड होगा या जो उसके हस्बैंड के संबंधी होंगे, उन ये माना जाएगा कि उनके द्वारा ये डेथ की गई है।
तो यहां पर हमने ये देखा कि इस डेफिनेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट नंबर वन, डेथ किसकी हो रही है? वुमेन की। किससे हो रही है? जलने से, इंजरियों से, या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति जो कि नहीं हो सकती थी। कब हो रही है? शादी के 7 साल के अंदर अंदर। और क्या पता लग रहा है कि भैया डेथ होने से पहले उसके साथ क्या की गई है? क्रुएल्टी करी गई है और हरासमेंट किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? हस्बैंड के द्वारा किया गया है या हस्बैंड के किसी रिलेटिव के द्वारा किया गया है। और क्या मालूम पड़ रहा है कि उससे डाउरी की डिमांड की जा रही हो। तो ऐसी डेथ को हम क्या बोलेंगे? डाउरी डेथ बोलेंगे। ये बात समझ में आती है? सिंपल डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन डाउरी शैल हैव द सेम मीनिंग इन सब सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये बेटा आजकल बहुत अच्छा ट्रेंड में चल रहा है कि जो हम नहीं पढ़ते वही क्वेश्चन प्री में पूछ लेता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सेक्शन 304B डाउरी डेथ के अंदर डाउरी की डेफिनेशन है वो कहां से ली गई है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के सेक्शन 2 में से ली गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है? Whoever commit dowry death shall be punished कितनी? With imprisonment for term which shall not be less than 7 years but which may extend to life imprisonment। मतलब कम से कम 7 साल तो मिलेगी मिलेगी, और कहां तक पहुंचेगी? लाइफ इंप्रिजनमेंट तक पहुंचेगी। ये बात ध्यान रहेगी। अब इसके अंदर अपने पास बेटा 3 केस आए थे। कितने केस आए थे? अपने पास 3 केस आए थे। अब केसों के नाम भी देख लेते हैं एक बारी। पहला केस मुस्तफा शादल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या हुआ था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा? इंटरप्रिटेटेड एक्सप्रेशन क्या? अभी हम जो ऊपर एक बात पढ़ के हैं, सोन बिफोर डेथ, इसका मतलब क्या है? इसकी व्याख्या करी है सुप्रीम कोर्ट ने कि सोन बिफोर डेथ का मतलब हम क्या समझेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, सोन बिफोर डेथ का मतलब यह कहा, देयर मस्ट बी existence of proximate and live link between, किसके बीच में लिंक होना चाहिए? इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी बेस्ड ऑन डॉयरी इफेक्ट ऑफ क्रुएल्टी बेस्ड ऑन डायरी डिमांड एंड डेथ कंसर्न। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि भैया जब हम इसके बारे में विचार करेंगे, किसके बारे में? सून बिफोर डेथ के बारे में अगर हम विचार करेंगे तो इसके विचार से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो उस महिला की डेथ हुई है उससे पहले क्या उससे डिमांड की गई थी, या मतलब हम ये समझ लें कि वो जो महिला की डेथ हुई है क्या उसका मूल कारण वो डाउरी डिमांड ही थी या कुछ और था, या उसका जो मूल कारण वो जो क्रुएल्टी हुई है क्या उसका मूल कारण था या नहीं था।
वरना ऐसे तो कोई भी इल्जाम लगा देगा, डेथ किसी कारण से हुई हो, नाम कोई और लगा देगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में विचार करने के लिए बोला। यहां ये बात समझ में आती है। अब एक और केस हमारे पास आता है, उसका नाम है गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। क्या केस है? गिरीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये बेटा 2019 का केस है, इंपॉर्टेंट है। ये 2013 का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट केस बता रहा हूं आपको। जो पहले वाले केस है वो तो आपको कोई भी बता देगा, यहां पे आपको मैं जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट केस है उनके बारे में बता रहा हूं। अब आपको, आप इसको किस तरीके से लेते हो वो आपकी मर्जी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, कन्विक्शन अंडर सेक्शन 304B कैन बी मेड ओनली इफ द वुमेन वॉज सब्जेक्ट टू क्रुएल्टी और हरासमेंट बाय हर हस्बैंड। चलो जी, ये बात समझ में आती है। और हिज रिलेटिव, उसके जानकारों को भी लपेटे में ले लिया। चलो बढ़िया बात। विच मस्ट बी फॉर और इन कनेक्शन विद डिमांड ऑफ डाउरी। यह बात भी समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। सून बिफोर द डेथ, और ये सारे क्रम कैसे होने चाहिए, मृत्यु से पहले के क्रम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया डेथ हो गई हो और ये बोला होगा जी आज से 8 साल पहले वो डाउरी की डेथ हुई थी, इसलिए इसने अपनी आज 8 साल पहले क्रुएल्टी हुई थी, 8 साल पहले कोई वो दहेज की बात हुई थी। ऐसा नहीं, मृत्यु से पहले जो काम हुआ उसके बारे में बात की है। ऐसे तो कोई 20 साल पहले वाली बात उठा लाएगा तो वो रेलिवेंट थोड़ी है। ये बात समझ में आती है। क्रुएल्टी मस्ट बी इन कनेक्शन विद द डाउरी डेथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक और केस था, एक और केस था इसके अंदर, बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें क्या लिखा है? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया एक्सप्रेशन सून बिफोर द डेथ, सून बिफोर डेथ का मतलब क्या होगा? और एक तो 304B के अंदर बात बोली है, और एक जो वो एविडेंस में आपका है 113B एविडेंस, इन दोनों के बारे में बात की गई है। इस प्रेजेंट विद द आइडिया ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टेस्ट, और बोल दिया गया नो डेफिनाइट पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड, नो डेफिनाइट पीरियड हैज बीन इंडिकेटेड एंड बिटवीन कंसर्न, मतलब यह है कि भैया कोई
निश्चित समय नहीं तय किया गया कि भैया इस पीरियड तक होगा तो उसको हम सून बिफोर बोलेंगे और उसके बाद होगा तो सून आफ्टर बोल देंगे. इट्स ऑल सब्जेक्ट टू द फैक्ट्स. ये बात समझ में आती है. अब हम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया 304, 304 ए, 304 बी. अब हम देखते हैं 305. क्या कहता है 305? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड और इनसेन पर्सन. भैया किसी को सुसाइड करने के लिए उकसा रहे हैं और वो कौन है? बच्चा या कोई इनसेन पर्सन. क्या है देख लेते हैं. इफ अ एनी पर्सन अंडर 18 ईयर ऑफ एज, पहली बात तो क्योंकि वो बच्चा होगा माइनर होगा, और एनी इनसेन पर्सन और एनी डेलीरियस पर्सन और एनी इडियट और एनी पर्सन इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन. सबकी बात कर ली है, बच्चे की बात कर ली है, इनसेन पर्सन की बात कर ली, डेलीरियस पर्सन की बात कर ली, इडियट की बात कर ली और इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो नशे में है उसकी बात कर ली है. क्या किया है? कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने की उसने कोशिश करी, कर ली. उस केस में हु एवर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच सुसाइड, अगर किसी ने उनको उकसाया है सुसाइड करने के लिए, किसी ने उकसाया है, तो शैल बी पनिश्ड विद द डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. ये सजा मिलेगी. ये बात समझ में आती है. अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 306. ऊपर हमने बात करी थी किसी इनसेन पर्सन को, अब यहां पर हम बात करें सिर्फ अबेटमेंट की, सुसाइड की. 305 में किसी इनसेन पर्सन को या किसी बच्चे को बात थी, अब यहां पर सबकी बात हो रही है तो उसमें क्या होगा? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड 306. इफ एनी पर्सन कमिट सुसाइड, हूएवर अबेट द कमीशन ऑफ सुसाइड शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड टू 10 इयर्स एंड शैल ऑल्सो लायबल टू फाइन. अब देखो ग्रेविटी अपने आप चेंज हो गई है. ऊपर वाले केस के अंदर क्योंकि वो बच्चा था, इनसेन पर्सन था, इडियट था, इंटॉक्सिकेटेड था, वो अपने हाव भाव समझने में सक्षम नहीं था, वो अपने फैसले लेने में सक्षम नहीं था, उसको उकसा करके हमने उसका फायदा उठा करके उसको डेथ करवा दी, तो उसमें ग्रेविटी भी बढ़ गई, डेथ तक बात पहुंच गई थी. लेकिन इसके अंदर वो समझ सकता था लेकिन उसको उकसाया गया तो ग्रेविटी कम हो गई. ये बात ध्यान रखना. अब इसके अंदर एक केस आया था राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. क्या केस था? राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. क्या हुआ था इसके अंदर? और ये 2019 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? कन्विक्शन अंडर सेक्शन 306 आईपीसी इज नॉट सस्टेनेबल ऑन एलिगेशन ऑफ हरासमेंट विदाउट देयर बींग एनी पॉजिटिव एक्शन प्रॉक्सीमेट टू द टाइम ऑफ कॉन्करेंस of the part of accused which led or compelled the person to commit suicide.
ये बात ध्यान रहेगी। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 307, अटेम्प्ट टू मर्डर। मर्डर हमने पढ़ा था बेटा 300 में, अब उसका अटेम्प्ट 307। Whoever does any act with such intention or knowledge, यहाँ पे भी क्या है, intention or knowledge है, under such circumstances that if he by that act caused death, he would be guilty of murder. उसको पता है कि अगर इसके काम से death हो गई तो वो murder का दोषी होगा, तो उस केस में shall be punished imprisonment of either description simple rigorous term which may extend to 10 years and also liable to fine. यहां पे भी क्या addition है। अगला, if hurt is caused by any person such act, offender shall be liable to either description for imprisonment of life or such punishment hereafter mentioned. क्या है, attempt by life convict, तो उसको तो क्या मिलेगी, death मिलेगी, ऊपर भी death थी अभी भी death है। When any person offending under this section, जो कि already life imprisonment में था, उसने कर दिया, तो उसको क्या मिलेगी, death मिलेगी। ये तो हम ऊपर ही पढ़ के आए थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। अब इसके अंदर ये देखते हैं, illustration देखते हैं। इलस्ट्रेशन वन, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन टू किल हिम। ए ने जेड को गोली मारी उसको मारने की मंशा से, अच्छी बात है मारनी चाहिए भाई, मार ले। अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट इफ डेथ एंश्यूड ए वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। भाई अगर गोली लग जाती मर जाता तो वो क्या होता, मर्डर का दोषी होता। तो अब यहां पे भी क्या होगा, यहां पे अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी हो गया क्योंकि उसको पता था, ये बात समझ में आती है। अगली इलस्ट्रेशन, ए विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ ऑफ अ चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर्स, मतलब जो बच्चा होता है गोदी में खेलने वाला, एक्सपोज इन अ डेजर्ट प्लेस, उसको वो क्या कराया, रेगिस्तान में छोड़ाया। ए हैज कमिट द ऑफेंस डिफाइंड बाय द सेक्शन, अटेम्प्ट किया है, दो द डेथ ऑफ द चाइल्ड डज नॉट इशू। अब हालांकि किसी ने उसको बचा लिया हो, बच्चे को अपने पास पाल लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए ने कोई अपराध नहीं किया। ए ने मर्डर का अटेम्प्ट तो किया ही है भाई, किसी बच्चे को तुम रेगिस्तान में छोड़ा है, उसका भूख प्यास का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जान रखने वाला नहीं है, तेज गर्मी से मर गया, कोई जानवर उसको खा गया, फिर तो ये बात। आगे ए इंटेंडिंग मर्डर ऑफ जेड बाय गन एंड लोड्स इट, गोली से मारने की इच्छा थी, उस मंशा से उसने गोली को भी लोड कर लिया। A has not commit yet the offense. क्यों? A fired the, अब यहां उसने गन लोड कर ली तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब A fired the gun at Z. He commit the offense defined in this section. अब ये लोड तो आप कैसे भी कर लो, लेकिन जब तक आपने उसको एम करके शूट नहीं किया तब तक आप नहीं मान जाओगे। जैसे उसने शूट किया तब उसने अपराध कर दिया। And if by such firing he wounds Z, he is liable to punishment provided by the later part of 3 फर्स्ट पैराग्राफ द सेक्शन, ठीक है। आगे, ए इंटेंडिंग जेड टू मर्डर बाय पॉइजन, जहर दे के मारना। अब उसने जहर खरीद भी लिया और उसने उसको किसी खाने में मिला भी दिया। इन एज कीपिंग ए हैज नॉट येट कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड द सेक्शन, क्यों? खरीदना अपराध नहीं है, मिलाना भी अपराध नहीं है जब तक आप उसको दोगे नहीं। अब क्या किया इन्हें, ए प्लेस द फूड ऑन अ जेड प्लेट, ए ने खाना जेड की प्लेट में डाल दिया। अब यहां से शुरुआत हो गई, जेड के सर्वेंट को दे दिया कि भैया आप जाके जेड को खिला दो। अब जैसे उसने जेड को दे दिया वैसे अपराध हो गया, ए हैज कमिट ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट सेक्शन, अब सेक्शन कहता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड।
अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड. Whoever does any act with such intention or knowledge under such circumstances that if he by the act caused death, उसको पता है कि भैया मेरे इस एक्ट से अगर डेथ हो सकती है, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years, 3 साल तक की, or with fine or with both, or if he hurt to cause any person such act shall be punished with imprisonment of either description, कितना, 7 साल के लिए, और fine or both. ये बात ध्यान रहेगी. अब इसके साथ इंटरलिंक करता हुआ एक केस बनता है हमारा. केस क्या बनता है? केस बनता है हमारा ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. क्या केस बनता है? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था पर्सन कमिट एन ऑफेंस विद इंटेंशन टू कमिट मर्डर. पर्सन कमिट्स ऑफेंस विद इंटेंशन टू कमिट मर्डर. उस केस में क्या होगा? एंड इन परसुएंस ऑफ सच इंटेंशन ऑफ सच इंटेंशन डज एन एक्ट टुवर्ड्स दिस कमीशन. उसने उसके परसुएंस में आके वो एक्ट कर भी दिया. तो क्या होगा? ही विल बी लाइबल. इसलिए अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड के लिए. और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बॉडीली इंजरी हो. बॉडीली इंजरी इज नॉट नेसेसरी. यह बात ध्यान रहेगी. बॉडीली इंजरी नेसेसरी नहीं है. अब इसी बात को साबित करते हुए दो इलस्ट्रेशन आती है हमारे पास. क्या है? ए ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फायर पिस्तल ऑन जेड. ठीक है. अंडर सच सर्कमस्टेंसेस डेथ If he thereby caused death, he would be guilty of culpable homicide not amounting to murder, and A has committed the offence defined in this section. ये बात समझ में आती है? आज हमने डिस्कस कर लिया है सेक्शन 308 तक, क्योंकि अब टाइम थोड़ा ओवरलैप हो रहा है. तो हम अब डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में सेक्शन 309 से लेकर 318 तक. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा. कल फिर मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड टेक केयर.